हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी का दादा सोडा फाउंटेन के हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि फ्रेंड्स आप सबको पता ही है, हमारे आगे के वीडियो में हमने जिस तरह से बताया, दादा सोडा फाउंटेन हर तरह की सोडा मशीन मैन्युफैक्चरिंग करता है, साथ ही में सोडा बॉटलिंग प्लांट है वो भी मैन्युफैक्चरिंग करता है, साथ ही में उसकी जो फ्लेवर है केसर फ्लेवर्स प्राइवेट लिमिटेड वो भी उसकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है। मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के अंतर्गत उसके जो सारे पार्ट्स है पार्ट्स भी खुद मैन्युफैक्चरिंग करता है, उसका ऑल इंडिया सप्लाई भी करता है। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन हमने जो एक आगे एक वीडियो अपलोड किया था कि फ्लेवर किस तरह से बनानी है, उसमें हमने इस तरह से जो पाउच आते हैं पाउच में भी हमने मेंशन किया था कि उसके भी फ्लेवर हमारे पास अवेलेबल है। तो वो जो वीडियो हमने अपलोड किया तो हमारे पास पाउच है फ्लेवर है दोनों चीज हमारे पास अवेलेबल है। तो बहुत सारे कस्टमर की डिमांड आई, सर आपके पास पाउच है फ्लेवर है लेकिन आपके पास सोडा इस तरह का पाउच पैकिंग मशीन क्यों नहीं है। तो हमने इसी हिसाब से लो बजट में ये पूरा का पूरा पाउच पैकिंग मशीन बनाया है। क्या है ये मशीन, किस तरह से ऑपरेट करता है और क्या इसकी कॉस्टिंग है, वो सारी चीजें डिटेल्स में आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा। इसके लिए हमारे साथ जुड़े हुए अमित जी, वो भी हमें इसकी पूरी जानकारी देंगे। लेकिन उनसे मिलने से पहले सबसे पहले बताना चाहूंगा फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसकी वजह से आगे जाके हम कुछ भी नया लेकर आते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती है। तो हेलो अमित जी, कैसे हो? बस बढ़िया बढ़िया हो। अमित जी, आपने ये लो बजट जो है पाउच पैकिंग मशीन बनाई है तो एक किस तरह से ऑपरेट होती है, तो वो सारी चीजें, इसकी कॉस्टिंग कितनी है, वो सारे डिटेल्स आज हम आप बताएंगे। ये जो मशीन है उसमें सबसे पहले आपको फ्लेवर बनाना पड़ेगा। फ्लेवर बनाने के बाद जो ये सिरप टैंक रहती है वो मशीन के साथ में रहती है। ओके, ठीक है। उसमें आपको अच्छी तरह से फिलअप कर देना है, ठीक है। और फिलअप करने से पहले उसको छन्नी से छानना है, वो सबसे मेन चीज है। तो फ्लेवर बनाने का हमने जो आगे का वीडियो बताया था उसी हिसाब से फ्लेवर बना के इसमें अंदर फिलअप आपको कर देना है, ठीक है। फिलअप कर देने के बाद ये मशीन रहती है, ओके, ठीक है। उसके अंदर यहाँ पे स्विच दिया है, ओके, ये पुश बटन है, पुश बटन है, वो पुश बटन ऑपरेट करने से जूस फिलअप होगा, ओके। ये चीज, ये जो डिजिटल मीटर है, ओके, जिससे हम 50 ml से लेकर 200 ml का जो फ्लेवर फिलअप करना है पाउच सेट करना है वो सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ये पुशअप बटन है, यहाँ पे जो है आपको फ्लेवर कितने ml का पाउच फिलअप करना है तो वो यहाँ पे सेट कर देना है, जिसकी वजह से आपको जो है पाउच फिलअप उतने ml का ही होगा। तो एक दो पाउच हमें फिलअप करके बताएंगे ऐसे प्रैक्टिकली। पहले तो जो पाउच होता है ब्लैंक पाउच आता है वो ले लेने का, ये नोजल लेती है, ओके, नोजल में उसको सेट करते रहेगा। तो फ्रेंड्स आपको जो है ब्लैंक पाउच ले लेना है, उसको इस तरह के जो नोजल है नोजल में आपको जो है ये फिलअप हो गया है, ओके, ये फिलअप हो गया, फिलअप हो गया है आराम से। फिर उसको यहाँ पे सिलाई मशीन है, ये हीटर मशीन है ना, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं बड़ी खूबसूरत तरीके से यहाँ पे नोजल है, नोजल के अंदर पाउच लगा के यहाँ पे पुशअप बटन करना है और फिर यहाँ पे ये हीटिंग करना है। तो इस तरह से आप जो है ये पाउच आप फिलअप कर सकते हैं, बहुत इजी तरीका है। आपके घर में लेडीज वगैरह है तो वो भी ये बहुत आसानी तरीके से आप ऑपरेट हो सकता है, ठीक है। आपने ये पाउच जो है किस तरह से फिलअप होता है वो तो हमें प्रैक्टिकली बता दिया, ठीक है। मान लो मुझे ये बिजनेस स्टार्ट करना है या किसी रिलेटिव को स्टार्ट करना है या मुझे किसी को शेयर करना है फ्रेंड सर्कल में, तो इस बिजनेस में मुनाफा किस तरह से होगा वो बताइए। पहले तो जो ये पाउच है, ठीक है, वो 100 ml के आते हैं, 100 ml के आते, 100 ml के पाउच आते हैं, 100 ml, 125 ml, 150 ml, 200 ml सारे आते हैं ना, सारे आते हैं, ओके। लेकिन ज्यादातर कस्टमर 100 ml यूज करते हैं, ओके, और उसकी कॉस्टिंग है 75 paisa, ओके। तो फ्रेंड्स ये ब्लैंक पाउच जो आते हैं खाली पाउच तो वो 75 paise का पाउच आता है, फ्लेवर कितने पैसे की जाती है? वो 80 paise की, 80 paise की इसमें फ्लेवर जाती है, यानी 1.55 rupees हो गए। अदर चार्जेस, अदर कोई खर्चा होता है इसमें? और ये मशीन में तो बहुत कम खर्चा आता है, सिर्फ लेबर का खर्चा ही आएगा, लेबर का खर्चा आएगा ना, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस मशीन में आप जो है 1.55 rupees हो गए लेबर खर्च और अदर खर्च 50 paise, ठीक है। तो 2.05 rupees में ये जो है पूरा का पूरा पाउच आपका जो है वो रेडी हो जाएगा। ये मार्केट में शायद 5 rupees में सेल होता है, आराम से बिक्री होता है। तो 2.05 rupees में आपको जो है रेडी होता है वो 5 rupees में सेल होता है, यानी एक पाउच के पीछे 2.95 rupees का प्रॉफिट है। तो मान लो आप दिन के 1000 पाउच सेलअप करते हो तो इसमें 2950 rupees आपको जो है एक दिन का मुनाफा हो गया फ्रेंड्स। तो बड़ी खूबसूरत चीज है, बड़ी आसान तरीके से ऑपरेट हो सकती है और बहुत ही प्रॉफिटेबल ये बिजनेस है। तो ये बहुत बड़ी चीज है, ये जो है सिंगल फेज पे ही चलता है ना मशीन? आराम से, ओके, सिंगल फेज पे चलता है। इसकी कॉस्टिंग कितनी है मशीन की? ये जो मशीन है उसमें आपको ये सिरप टैंक आएगी, ओके, फिर मशीन आएगा, ओके, और ये मशीन भी आएगा, हीटिंग मशीन आएगा,
तो ये सारी चीज पूरा सेटअप मिला गया 14,999। ओके 14,999 का ये पूरा प्रोडक्ट है फ्रेंड्स, जिसमें आपको जो ये सिरप टैंक आ जाएगी, साथ में ये मशीन आ जाएगा, साथ में हीटिंग मशीन आ जाएगा, सारी चीजें मिला के 14,999 रुपए, यानी कि